कीवी के प्लान हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये क्लोजअप व्यू कीवी के प्लांट के, और ये कीवी के प्लांट को सपोर्ट की जरूरत होते हैं क्योंकि ये क्लाइंबर की तरह है, आप देख सकते हैं। और इसे बहुत पानी की जरूरत होते हैं इनके फसल के लिए, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने इसे वाटर ड्रॉप इरिगेशन लगाया हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी बहुत कम रहते हैं ये फार्म पर, इसीलिए इसे लगा दिया गया है ताकि अच्छी फसल हो। मैं अपने फार्म हाउस की ओर जा रही हूँ अभी, मैं अपनी फार्म हाउस दिखाऊंगी आप सभी को। अभी देखिए हम पहुंच गए अपने फार्म हाउस पे, और मैं अभी नीचे से चढ़ के आई हूँ तो बहुत थक गई हूँ। ये देख सकते हैं, ये मेरे हस्बैंड की डिज़ाइन किया हुआ फार्म हाउस है, वो ऑलरेडी पहुँच कर काम कर रहे हैं। ये घर से लाए हुए प्लांट्स, चेरी प्लांट एंड क्रिसेंथेमम, जो कि मैं अभी लगाने जा रही हूँ इसे। ये है मेरे हस्बैंड की डिज़ाइन किया हुआ फार्म हाउस, जो कि पूरा ग्लास लगा हुआ है, वुडन से बना हुआ है। आप आ सकते हैं, हमारे यहाँ रह सकते हैं, और ये फार्म हाउस हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द व्यू फ्रॉम माय फार्म हाउस। As you can see, those are kiwi plants. And उस पहाड़ पर एक स्टेचू बन रहा है जो मेरे हस्बैंड के पापा बना रहे हैं। मैं जूम इन करके दिखाती हूँ, ये देखिए। और आप यहाँ आएंगे तो वहाँ पे भी घूमने जा सकेंगे, इट्स ब्यूटिफुल। अब मैं इसे साफ करने लगा रहा हूँ, मैं अपनी घर से लाए हुए प्लांट्स लगाऊंगी यहाँ पर, और जब लग जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये क्रिसेंथेमम प्लांट है, ये देखिए शाम के वक्त है और मैं इसे लगा रही हूँ अपने फार्म पर। ये है वाइल्ड चेरी के प्लांट, मैं इसे यहाँ लगाऊंगी। जब ये बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा, इसके फ्लावर काफ़ी सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। मैंने लाया वाला प्लांट्स पूरा लगा दिया गया है, एंड इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। And thanks for watching. Thank you so much.